मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों, आज तारीख हो गई है 23 जुलाई 2024 और मैं अभी आ गया हूँ अजमेर रामगंज सब्जी मंडी। और दोस्तों, आज आपको बताएंगे सब्जियों का क्या कुछ भाव चला है। और आज मंडी के अंदर सब्जियों की आवक काफी अच्छी रही है, आज काफी ज्यादा सब्जियां आई है और रेटें भी थोड़ी ठीक ठाक है। तो ठीक है, आपको बताते हैं आज सब्जियों का भाव क्या कुछ भाव रहा है, बने रही है आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, आज आपको बता देते हैं कद्दू कद्दू की क्या कुछ रेट चली है। ये देख सकते हैं, ये कुछ क्वालिटी रही है कद्दू में, ये देख लीजिए कद्दू अभी फुल बड़े साइज में देख सकते हैं। तो बताते हैं आज आपको कद्दू का भाव क्या कुछ रेट चला है। और ये देखिए, अभी गाड़ी खाली हो रही है कद्दू के इधर। और इधर देख सकते हैं पत्ता गोभी का भी बताएंगे आज आपको भाव क्या कुछ भाव चला है पत्ता गोभी में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पत्ता गोभी में जैसे आती है तो 3-4 दिन पुरानी चलती है पत्ता गोभी। और इसके अंदर क्या है कि जैसे अभी देख सकते हैं, ये कुछ पत्तों की क्वालिटी रही है। तो क्या है, अभी वैसे सस्ती पड़ती है ये जैसे बोरी खरीदने पर, लेकिन जब खुली बिकती है तो काफी रेट ज्यादा हो जाती है। और इधर देखिए लौकी, तो आज बताते हैं सबका आपको भाव क्या कुछ भाव रहा है। जय श्री राम भाई साहब। तो भाई साहब, आज कद्दू का क्या रेट चला? 15-16 रुपए। तो कहाँ का आ रहा है भैया अभी कद्दू? एमपी एमपी से आ रहा है भाई साहब, 15 से 16 रुपए किलो का इसका बाजार रहा। ये कुछ कद्दू की कंडीशन रही है। और भैया लौकी का क्या भाव रहा? 13-14। 13-14। लौकी तो यहाँ लौकी लोकल ही होगी अपनी। अच्छा, अपनी 13-14 रुपए किलो देखिए लौकी का बाजार रहा है। ये कुछ लौकी की आज की कंडीशन रही है। और पत्ता गोभी का? और तो अभी 30 रुपये 30 रुपए किलो भैया। देखिए पत्ता गोभी, पत्ता गोभी कहाँ की आ रही है? नासिक नासिक आ रही है भैया पत्ता गोभी, 30 रुपए किलो का इसका बाजार रहा। तो ये आज की कुछ सब्जियों की रेटें रही है और आपको बताएंगे आगे, तो बने रहिएगा आज के इस वीडियो में। और ये देख सकते हैं भाई साहब, ये इनकी दुकान का एड्रेस है, जेबी जितेंद्र कुमार भैरूमल के नाम से। ये देख सकते हैं इनका काम है भाई साहब, आढ़त का काम है। ठीक है, और बताएंगे आपको, बने रहिएगा आज के इस वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों, अभी बैंगन वगैरह की फुल अच्छी आवक है मंडी में, काफी ज्यादा बैंगन रहे हैं भाई। बैंगन कितने? ये देख सकते हैं भैया बैंगन की ये कुछ रही है बैंगन की, बैंगन अभी मंडी में फुल है और इस वजह से यह बैंगन में थोड़ी अभी रेटों में भी कमी आई है। दोस्तों, आज आपको बताते हैं मक्की, ये देखिए मक्की आ रही है। स्वीटकॉर्न मक्की भी है? ये कौन है, स्वीट कॉर्न है क्या? तो देखिए भैया स्वीट कॉर्न है ये। ये कुछ मक्की क्वालिटी रही है। और बताते हैं आज आपको क्या कुछ भाव रहा है। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम भैया। और आज क्या भाव चला मक्की का? मक्की 15 रुपए 20 रुपए, 15 से 20 रुपए किलो देखिए इसका भाव रहा है। थैली का, माल बोले थैली का रेट है जो 15 से 20 किलो का है। और ये देख सकते हैं ये कुछ क्वालिटी रही है। तो अभी भैया कहाँ की आ रही है ये? भैया की लोकल है भैया, लोकल ही है भैया। देखिए ये, और ये इसका भाव रहा है 15 से 20। और इधर बता देते हैं आपको काचरे, काचरे की कुछ क्वालिटी देख सकते हैं, ग्रीन काचरा आ रहा है। देखिए काचरा 5 रुपए किलो, कच्चा काचरा है 5 रुपए, इतना सस्ता तो किसान को क्या मिलता होगा इतना सस्ते माल में ला के। कच्चा है 5 रुपए किलो भैया इसका रेट चला है। ये पका हुआ 10 रुपए किलो बिका है, ये पका हुआ 10 रुपए किलो रेट चला है। इसकी कुछ क्वालिटी रही है, ये देख सकते हैं। ये देखिए ये पका हुआ आ रहा है वो है, और किसानों का माल है, सारा बिक्री का माल है यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये देखिए भैया मिर्ची का आज बाजार चला है 22 रुपए किलो, 22 से 25 रुपए किलो तक है मिर्ची। अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से रेट है इसकी देख सकते हैं आप। तो ये आज की मिर्ची की रही है क्वालिटी और रेट। और जो मिर्ची आ रही है भी भैया यहीं की लोकल है, आसपास के गांवों की। ये देख सकते हैं ये कुछ मिर्ची की क्वालिटी रही है। 20 रुपए किलो। और इधर दैया देखिए बैंगन है, बैंगन 20 रुपए किलो चला। ये कुछ बैंगन की क्वालिटी रही है। ये जो बैंगन आते हैं एक दिन पहले के टूटे हुए रहते हैं, इसलिए क्या थोड़े सस्ते बिकते हैं। ये देख सकते हैं तो 20 रुपए किलो का इसका रेट चला है। और जो भी ताजा बैंगन आया है, जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इधर ये देखिए पोट वाला जो माल है ताजा में, ये अभी 30-40 रुपए किलो का इसका बाजार रहा है ये वाला। तो ये बैंगन का आज का कुछ भाव चला है। हरी चवला 40 रुपए किलो। और ये देखिए हरी चवला फली 40 रुपए किलो। तो भैया अभी जो माल आ रहा है टोटल लोकल ही है या लोकल ही है? सारा लोकल आ रहा है, सारा लोकल। तो अभी आवक अच्छी हो रही है सब्जियों में? हाँ। तो देखिए अभी सब्जियों में नहीं है, आवक तो है
बाजार नहीं है, बाजार नहीं है और आवक काफी अच्छी हो रही है, इस वजह से क्या रेटे भी काफी ज्यादा अभी कम हुई है इन चीजों में। और जो टमाटर आ रहे हैं, टमाटरों में भी क्या थोड़ी रेटे तेज है, बेंगलोर जो टमाटर आ रहा है। बाकी आप सब्जियों की रेटे देख सकते हैं, 20 रुपए, 25-30 रुपए किलो तक सब्जियां अभी सस्ती चल रही है और ये इनकी कुछ रेटे रही है। और जो पालक है, पालक भैया अभी आज चला है 25 से 30 रुपए किलो का बाजार रहा पालक का। ये ऐसे कुछ सब्जियों की रेटे हैं, ये देख सकते हैं इधर। दोस्तों देखिए, मैं आज आपको बता देता हूँ सब्जियों का रिटेल भाव, मंडी में जो खुली बिक्री है क्या भाव बेची जा रही है। और ये देख सकते हैं, ये कुछ सब्जियों की क्वालिटी रही है, जैसे कि इधर पुदीना हो गया, धनिया हो गया, मिर्ची हो गई और इधर तुरई आ गई, ये चोला फली आ गई है देखिए। तो बताता हूँ मैं आज इनका क्या कुछ भाव चला, रिटेल भाव पूछते भैया इनसे। पुदीना क्या भाव चला? 50 चला है ये पुदीना भैया, 50 रुपए किलो का भाव रहा है पुदीने का। और जो धनिया है, धनिया 60 रुपए किलो चला है इधर, देख सकते हैं धनिया की कुछ क्वालिटी रही है। मिर्ची का क्या भाव है? मिर्ची 40। मिर्ची भैया देखिए 40 रुपए किलो चली है। तुरई है, तुरई अभी 50 से 60 रुपए किलो रिटेल भाव है मंडी का, ये देख सकते हैं तुरई की कुछ क्वालिटी रही है। करेले भैया 30 से 35 रुपए किलो का करेले का रेट रहा है, ये देख सकते हैं करेले ये कुछ रही है, ये देख सकते हैं। मिर्ची का जो भाव बता दिया मैंने 40 रुपए किलो चला है। और जो चोला फली आ रही है ये 40 से 50 रुपए किलो का भाव रहा है। तो ये आज की सब्जियों का कुछ रिटेल भाव रहा। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको बता देता हूँ अदरक का रिटेल भाव क्या कुछ चला है। अदरक देख सकते हैं, अदरक की कुछ क्वालिटी रही है। वैसे देखिए अदरक आ रही है जो कि बेंगलोर है, अभी अदरक मजबूत है, बढ़िया क्वालिटी है इसकी अदरक की, ये देख सकते हैं अदरक में। और एक ही और अदरक आ रही है तो ये देख सकते हैं अदरक की कुछ क्वालिटी रही है। इधर देखिए नींबू आ गए हैं। तो भाऊ जी आज अदरक का क्या भाव चला इसका? ये 200 रुपए किलो भैया, 200 रुपए किलो रिटेल भाव है भैया इसका अदरक का। कहाँ की है अदरक? बेंगलोर। बेंगलोर है भैया, 200 रुपए किलो इसका आज का रिटेल भाव चला है। और ये देख सकते हैं कि कच्ची अदरक आ रही है अभी थोड़ी, ये थोड़ी सस्ती है। एक मिनट इसका भी भाव बता देते हैं भाऊ जी। ये वाली अदरक क्या भाव रही है? 120 मात्र। तो ये कौन सी अदरक? ये बेंगलोर न्यू। अच्छा ये बेंगलोर है कच्ची अदरक बिना छिलके वाली। और 120 रुपए किलो आज इसका रिटेल भाव चला है। इधर ये देख सकते हैं नींबू, नींबू का क्या बाजार है भाऊ जी? नींबू 130। एक ये 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, अलग अलग मतलब क्वालिटी के हिसाब से रेटे हैं। और ये है जो रेटे है अपने रिटेल भाव है मंडी का। तो कहाँ का आ रहा है नींबू? नींबू ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है भैया नींबू है, ये देख सकते हैं। ये आज का कुछ रिटेल भाव रहा नींबू अदरक का। दोस्तों आज आपको बताते हैं टमाटर का भाव, ये देख सकते हैं टमाटर की आज की कुछ क्वालिटी रही है, देख लीजिए। और ये देखिए, वैसा मैं बता देता हूँ एक बार आपको अंदर तक। ये देखिए भैया, ये टमाटर की आज कुछ स्थिति रही है। तो बताते हैं क्या कुछ भाव चला टमाटर का, क्या कुछ रेटे हैं, कितना क्या माल आया हुआ है मंडी में, बात करेंगे भाई साहब इनसे। तो बने रहिएगा आज के इस वीडियो में। ये देखिए भाई साहब, चलिए ठीक है बात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और सेठ जी क्या हाल चाल है भैया? और क्या भाव चला टमाटर? टमाटर आज चला भैया 70-65, 2 कम 65 यानी 65 से 70 रुपए के, 70 से 65 रुपए किलो का आज देखिए टमाटर का भाव रहा है। टमाटर एक रंग, ये टमाटर की कुछ क्वालिटी रही है। कौन सा रहा भैया अभी टमाटर? टमाटर वही बेंगलोर, बेंगलोर ही चल रहा है अभी टमाटर। कितना क्या माल है आज? हमारा मंडी में है पर लिमिट में ही माल, लिमिट में ही है। आज थोड़ा कल से कम है रेट, कल थोड़ा टमाटर की रेट थी 85 रुपए किलो का, कल 85-90 रुपए किलो तक गया था टमाटर। और आज थोड़ा गिरावट आई है 10-15 रुपए की। और ये देख सकते हैं ये कुछ आज की क्वालिटी रही है टमाटर की। और ये आज का टमाटर का भाव चला। देखिए दोस्तों आज आपको बता देते हैं आलू प्याज का क्या कुछ भाव चला है, क्या कुछ रेटे हैं। अभी एक हमारे व्यूअर्स ने कमेंट करके पूछा था भाई आलू प्याज का भाव बताओ, तो बात करते हैं भाई साहब इनसे और बताते हैं आज आपको क्या कुछ रेट चल रही है। देख सकते हैं ये आलू प्याज की कुछ क्वालिटी रही है, देखिए। तो चलिए ठीक है बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्ते। तो भैया अभी आज आलू का क्या भाव रहा? आलू का रेट भैया बढ़िया, आलू का रेट है 28.5 रुपए होलसेल, 28.5 रुपए होलसेल रेट है भैया। देखिए आलू का ये कुछ क्वालिटी रही है आलू की। तो भैया जो ये आलू आ रहा है कहाँ का आ रहा है अभी? आलू वैसा हमेशा कभी भी आएगा तो यूपी का ही आएगा, यूपी के अलावा आलू बहुत कम ही आता है। अच्छा, तो जो अभी जैसे आलू में एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, जैसे खराब ज्यादा हो जाता है जल्दी, तो इसका कारण क्या है?
इसका कारण भी है मौसम, मौसम की बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी रहती है इसलिए खराब हो ही जाता है, खराब हो जाता है। ये देखिए कोल्ड स्टोरेज का आलू आता है, और जैसे इसको क्या है कि कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाला जाता है, तो फिर क्या है कि जैसे बाहर उमस हो रही है, गर्मी हो रही है, तो उस माहौल में आने की वजह से क्या है थोड़ा ये खराब होने लगता है, अंदर से गलने लगता है आलू। तो ये आज के आलू की कुछ पोजीशन रही है। तो भैया अभी मंडी में कितना क्या आलू की आवक है? आलू जितना चाहिए उतना आ जाता है, अभी मंडी में आवक है 5 गाड़ी की, 5 गाड़ी की आज आवक रही है आलू की मंडी के अंदर। और जो आलू आ रहा है अभी यूपी वाला आ रहा है। और देखिए प्याज बता देता हूँ मैं आपको, अभी प्याज की देखिए क्या कंडीशन है, ये देख सकते हैं ये प्याज की कुछ कंडीशन रही है। तो और एक ही आ रहा व्हाइट प्याज ऑरेंज वाला, तो बता देता हूँ मैं आपको क्या कुछ भाव रहा है इसका। तो भैया प्याज का क्या भाव चला लाल वाले प्याज का? लाल वाली प्याज बढ़िया वाली 35 है, बाकी 28 से लेकर 35 तक का भाव, 28 से 35 रुपए तक का भाव चला है। अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग रहते हैं। और जैसा कि अभी ये देख रहे हैं अभी 35 रुपए किलो का भाव है, इसमें क्या प्याज इकसार निकलता है, बाकी जो थोड़ा सस्ते में लेंगे उसमें क्या माल थोड़ा छोटा निकल जाएगा, तो थोड़ा कम रेट में आ रहा है। तो ये इसकी कुछ कंडीशन रही है। तो भैया प्याज अभी ये कहाँ का है? प्याज ये मथानिया और अपना थावला का प्याज आ रहा है, मथानिया और थावला का आ रहा है जो की अपने लोकल ही है इधर का। और भैया ऑरेंज वाला प्याज क्या भाव रहा? कौन सा ये ऑरेंज वाला प्याज? ये ऑरेंज वाला प्याज जयपुर का है भैया, इसकी प्याज ही बाजार रही है 34 रुपए किलो की, 34 रुपए किलो तक की भैया इसकी प्याज की बाजार रही है। जयपुर का आ रहा है प्याज, देख सकते हैं ये कुछ की इसकी प्याज की क्वालिटी रही है। ये प्याज क्या ज्यादातर मीठा होता है, लोग बाग इसको सलाद में ज्यादा काम में लेते हैं, और जो लाल वाला प्याज आता है ये अपने सब्जी वब्जी में ज्यादा काम में लिया जाता है। तो ये कुछ प्याज की आज की पोजिशन रही है। भैया प्याज का कितना क्या आवक है मंडी के अंदर? प्याज आ रही है काफी, नासिक भी आ रहा है, मठानिया भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। प्याज की वैरायटी में उसकी 6-7 गाड़ी आ रही है प्याज की, 6-7 गाड़ियां प्याज की आ रही है अभी। और प्याज में क्या काफी ज्यादा मतलब अलग अलग वैरायटी है इसके अंदर, नासिक हो गया, अभी एमपी वाला भी चल रहा है, शायद एमपी वाला आ रहा है अभी माल, एमपी वाला भी आ रहा है। तो अभी प्याज में काफी ज्यादा वैरायटी है। और ये आज का कुछ प्याज का भाव चला है, तो यह आज की कुछ रेटे रही है आलू प्याज की। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।